नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नए वीडियो में। तो अगर आप एक आशा हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जैसे कि एक अभियान के तहत अब आंगनबाड़ी आशा को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को टीबी मरीज़ खोजने के लिए उनको इस अभियान के तहत जोड़ा गया है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 का संक्रमण हो या अन्य कोई भी काम हो तो पहले आंगनबाड़ी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेवारी दी जाती है। तो इसी प्रकार की जिम्मेवारी एक और दी गई है कि अब घर घर जाकर आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता को टीबी के मरीज खोजने होंगे और इनके लिए 500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो चलिए न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं उस न्यूज़ की ओर। टीबी के मरीज़ खोजे तो मिलेंगे 500 रुपये। तो आप सभी को 500 रुपये कैसे मिलेंगे? जैसे कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा हैं तो आपको घर घर जाकर टीबी के मरीजों को ढूंढना होगा, तभी आपको मिलेंगे 500 रुपये। तो देखिए, ये न्यूज़ जागरण की तरफ से प्रकाशित हुई थी 2 दिन पहले। जो कार्य शुरू किया करने के आदेश दिए गए थे और उसका कार्य शुरू भी कर दिया गया है और साथ ही साथ 3 मरीजों को ढूंढा भी जा चुका है आंगनबाड़ी आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो वो न्यूज़ भी आपको दिखाऊंगा। तो इस अभियान को उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविकाएँ और आशा कार्यकर्ताएँ जुड़ी हुई हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की ओर। ज़िले में सोमवार से दस्तक अभियान शुरू हो जाएगा, यानी कि सोमवार से इस अभियान को चलाया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई है। टीबी विभाग की ओर से जारी फॉर्म को भरेंगी, किसी में लक्षण मिलते तो टीबी विभाग की टीम नमूने लेने से संबंधित उसके घर जाएंगी। बलगम की जांच में टीबी के पॉजिटिव मिलते हैं तो संबंधित आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपये की दुकान से भुगतान किया जाएगा। अगर आपने टीबी को मरीज़ को ढूंढ लिया और इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग की टीम को दे दिया और वो मरीज़ टीबी का पाया जाता है तो आपको 500 रुपये दुकान से भुगतान किया जाएगा। ज़िले में सोमवार से इस अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर अन्य बीमारियों के साथ साथ टीबी के मरीजों को भी खोज करेंगी और इसके लिए टीबी विभाग की ओर से एक फॉर्मेट भी दिया गया है, जिस फॉर्मेट को भर के आप अपने ब्लॉक में जाके जमा कराएंगी और इस मरीज़ की पुष्टि करेंगी। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि दस्तक अभियान के तहत टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी और इसमें विभाग की ओर से जो इस योजना को चलाया जा रहा है जिसमें ज़िले के 1200 मरीजों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि एक भी टीबी से पीड़ित मरीज ना रहे, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े किया जाएगा। तो साथ ही साथ एक और न्यूज़ दिखा रहा हूँ, जो न्यूज़ है आशा आंगनबाड़ी ने खोजे 3 संदिग्ध टीबी के मरीज, अभी पुष्टि नहीं। तो अभी 2 दिन पहले ही इस अभियान को चालू किया गया था, उस अभियान के तहत 3 संदिग्ध मरीज को आंगनबाड़ी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोज भी लिए हैं लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, ये न्यूज़ 14 जुलाई 2021 का ये न्यूज़ है। संचारी रोग अभियान के साथ साथ दस्तक अभियान का भी शुभारंभ हो गया है। तो इस अभियान का नाम दिया गया है दस्तक अभियान, जिसकी शुभारंभ हो चुकी है। 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों को सफाई के लिए तो जागरूक किया जा रहा है, वहीं बीमारियों का भी डाटा जुटाया जा रहा है। इनमें टीबी के मरीजों पर अधिक फोकस है। 3 संदिग्ध टीबी के मरीज मिले हैं लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। तो टीबी के मरीजों पर ज़्यादा फोकस है और साथ ही साथ संचारी रोग यानी कि साफ सफाई का काम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता इसका जागरूकता फैला रही हैं। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब सोमवार में ज़िले में आशा
और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर दस्तक अभियान का शुभारंभ कर दिया गया। लोगों के घर पहुंचकर परिवार में बीमारियों का डाटा लिया जा रहा है। इसके साथ टीबी के लक्षण जिसमें लगातार खांसी आना, बुखार कम न होने, थकान रहना, वजन घटना और सांस लेने में दिक्कत होना आदि जानकारी जुटाई। तो टीबी के मरीजों में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो खांसी आना यानी ज़्यादा खांसी रहना, बुखार कम न होना, थकान रहना, वजन घटना और सांस लेने में दिक्कतें आदि प्रॉब्लम आती है, तो टीबी के मरीजों में वो लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो पहले दिन इस तरह के लक्षण वाले 3 संदिग्ध संख्या मिले। आशा और आंगनबाड़ी ने अपनी रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर जमा करा दी। जो रिपोर्ट जो संदिग्ध मरीज मिले हैं उनका रिपोर्ट भरकर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उस रिपोर्ट को अपने ब्लॉक स्तर पर जमा करा दी है। संदिग्ध मिले लोगों के घर पहुंचकर अब टीबी विभाग की टीम नमूने लेकर जांच करेगी। इन संदिग्धों में टीबी से पॉजिटिव है या नहीं इसकी पुष्टि बुधवार को होगी। फिलहाल लगातार संदिग्धों के नमूने का काम चल रहा है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि अभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर जाँच पड़ताल कर रही है। जो संदिग्ध मिले हैं उनमें टीबी है या नहीं इसकी जानकारी अगले रोज़ दी जाएगी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।